हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला कैसे दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि पता ही होगा आपको लेब असिस्टेंट का रिजल्ट दो दिन पहले आया था लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मचा हुई बात तो पता ही है ठीक है काफ़ी परेशान है लोग इस, इस इसको लेके कि पता नहीं कटअप क्या है नहीं है कितना गया है एक वाले का नहीं हुआ है एक वाले का नहीं हुआ क्या झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है वो सब चीज़ सब अब पता चल जाएगा ठीक दोस्तों रिजल्ट का कटअप अब ज़्यादा दिन नहीं लगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों आर टी आई फाइल कर दिया गया है उसका रिप्लाई आपको बताने वाला है ठीक है चलिए तो सब पता ही मतलब सच्चाई इसका क्या सामने आ जाएगा और दोस्तों अपनी तरफ से भी अभी क्या जितने भी एग्जाम रह रहे थे नगर पालिका हो गया और जितने भी अभी एग्जाम होने वाले उससे लेकर दोस्तों काफ़ी मतलब ये जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं सोचने वाली बात है ये कि इस तरह का चल रहा है जब नियम बनाया गया था तो हम लोग बहुत खुश थे कि चले अब तो जो भी है बढ़िया से होगा सब चीज़ें लेकिन फिर भी वैसा ही चल रहा है अभी तभी कुछ सुधार नहीं हुआ है अब पता नहीं किस तरह का सरकार है मतलब उसका कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट करके कि नहीं सरकार का क्या गलती है एजेंसी गलती भाई एजेंसी गलती है तो हम तो सरकार को बोलेंगे ना अब आप कौन सा कैसे सरकार है आपका जो एजेंसी आपका बात नहीं मान पा रहा है फिर कैसा नहीं है भैया आप तो छात्र के लिए थोड़ी बनाए हुए हैं अब छात्र आवाज़ उठेगा तो उसके लिए दिक्कत है और एजेंसी ये काम कर रहा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है तो फिर किसको बोले बताइए तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग सरकार का ही बोलेंगे ना एजेंसी हम थोड़ी जानते कौन एजेंसी नहीं है सो वो तो प्राइवेट चीज़ है भाई हम लोग तो वोट देकर जिताए उसको वहाँ तक भेजे तो हम लोग उसी से बात करेंगे गार्जियन से बात करेंगे ना गार्जियन से कोई कंप्लेन किया तो गार्जियन से किया जाता है ना ही एजेंसी से किया जाता है ठीक है तो आप लोग बात को समझिए थोड़ा जो इस तरह का जो कमेंट करता है शायद उन लोग ही शायद सेटिंग वटिंग करवाया होगा शायद इसी वजह से इन लोग करना चाह रहे हैं भाई कॉमन सेंस की बात है यार इतना इतना कटअप इतना इतना नंबर कैसे जा सकता है ठीक है और हवा चल रहा था पता ही है जब कहीं धुआं निकलता आग लगा होता तभी धुआं निकलता है ठीक है ऐसे धुआँ नहीं निकलता है आप देखिएगा कभी घर में आग लगाइएगा तभी धुआं निकलेगा ऐसे नहीं निकलेगा ठीक है तो एजेंसी का भी गलत है एजेंसी पर कार्रवाई होना चाहिए एजेंसी का नामों निशान खत्म होना चाहिए झारखंड सेवा पर उस एजेंसी जो जो है और जाँच करा दिया जाए दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छात्रों को भी संतुष्टि लगेगा बाकी जो नियम बनाए तो इससे नियम को कुछ इफेक्टिव हमें नहीं लगता देखने वाला है ठीक हाँ ये नियम इसके लिए छात्रों के लिए नियम बना हुआ है ऐसे उठाइएगा बाद तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा बाकी नियम किसी के लिए नहीं है पता चल गया ठीक है बहुत उम्मीद था इस गवर्नमेंट से नियम नियम जब बना था ना काफ़ी उम्मीद था कि चलो भाई जो भी एक अच्छा काम किया चलो कम से नियम तो बना दिया कम से कम धान तो नहीं होगा अब यहाँ तो और ही चाल माधानली देखने को मिल रहा है धानली बोलेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है है ना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं डरपोक लोग जो होते हैं ना झारखंड में बहुत डरपोक लोग हैं उसके अंदर गट्स नहीं है अभी वीडियो डालेंगे तो बोलते वीडियो भेज देंगे आपके उसका तो जेल हो जाएगा अरे भाई जेल कैसे हो जाएगा यार ऐसे बिना मतलब, मतलब जेल हो जाएगा हैं कौन सा मतलब कौन सा घोटाला हम कर दिए या कौन सा किसी को मर्डर कर दिए जो जेल हो जाएगा भाई इतना मत डरा करो ठीक है थोड़ा जो बात सच्चा है वो रखो करो सामने डरिएगा तो यही यही कारण है कि झारखंड हमारा पीछे है आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो क्या लगता है हम जेल चले जाएंगे मान लेते कि किसी काम में चले भी जाएंगे तो क्या वो नहीं छूटेंगे फांसी वाला देगा क्या वो मतलब हद हाँ यार इतना भी डरपोक पुक ना हो अरे को जो कमेंट करता ना वही लोग शायद घोटाला किया वही लोग मतलब सेटर लोग सेटर लोग से सेटिंग से, से, करके उन लोग चाहता है कि जल्दी जल्दी करके डॉक्यूमेंट मत वेरीफिकेशन हो जल्दी ज्वाइनिंग जल कर जाए यही लोग है जो घोटाला करके अपना पैसा देकर नौकरी लेना चाहता है ठीक है तो वही लोग कमेंट करता है कि उल्टा पुलटा मत बोलिए ना तो जेल हो जाएगा जेल किस बात की हो जाएगा भाई नहीं? बात रखना को गुनाह है क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं ठीक है थीके? अपना बात रखने को सभी को अधिकार है आप भी रख सकते हैं आप भी चैनल खोजो आप भी बात को रखिए झारखंड के हित के बात के कर सकते हैं ठीक है ना और डर डरिएगा तो फिर जो डर गया वो मर गया ठीक है डरने किसी बात के जब गलत नहीं करें तो डरना नहीं है बस मेरा फंडा यही है आप सही हैं तो बोलिए है। जितना बोला बेधड़क बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो दोस्तों जो भी है तो आर टी आई फाइल कर दिया दिखाते हैं दोस्तों जिसका जैसा रिपोर्ट अभी आएगा हम आपको बता देंगे कितना क्या किया अब है, देखते हैं कब कित कब तक इसका जवाब मिलता है और आप आप लोग भी कीजिए दोस्तों आर टी आई आपको कर देते दस रुपये तो लगता है कुछ तो उसमें दस मिनट से आप समय लगेगा कितना मैक्सिमम लगता है दस मिनट लगेगा आपको आप लोग आर टी आई ऑनलाइन में जाइए सब चीज़ भरिए दस मिनट का समय लगेगा दस रुपये लगेगा दोस्तों और बी पी एल बिलो पॉवर्टी लाइन से यदि आप बी पी एल भरिएगा मान लिए वहाँ ऑप्शन पूछता है बी पी एल है तो दस रुपये भी नहीं लगेगा लेकिन नौ कीजिएगा तो दस रुपये लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप लोग अप्लाई तो कीजिए कम से कम क्योंकि थोड़ा बहुत एक्शन तो लेना बहुत जरूरी है ना अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं इस तरह का रवैया रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा काफ़ी लोग ए एस ओ बी एस ओ पता नहीं सी आई प्लानिंग असिस्टेंट क्या क्या सपने लेकर बैठा हुआ है और यहाँ इस तरह का बात चल रहा था कहाँ से उन लोग सच्चाई कहाँ से अफसर बन पाएगा उन लोग पाए लो? ठीक है तो आप लोग भी अपने हिसाब से कीजिए देखिए अप्लाई कर दिए देखते हैं कब तक इसका रिपोर्ट आता है चौबीस तारीख को आज ही किए हुए हैं और डिटेल देख लीजिए बाकी नंबर मोबाइल नंबर दिए तो वहाँ से अपडेट मेरा आते रहेगा जैसा भी अपडेट आएगा दोस्तों इस कटअप को लेकर मैं आप लोग तो जरूर शेयर कर दूँगा ठीक है पक्का करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग हो सकते आप लोग भी आरटीआई आई मारिए ठीक है थीके? बहुत सारे वैराटीज़ का आरटीआई टी जब जाएगा तो किसी को किसी को तो रिप्लाई करेगा ही करेगा ऐसा बात नहीं रिप्लाई नहीं आएगा इस पर तो आप लोग भी मारी जाकर कोई दिक्कत नहीं दस मिनट का समय लगेगा आपका समय को बर्बादी नहीं है दोस्तों ठीक है कम से कम, कम सचिवालय वाला छात्र कम से कम मारिए कम से कम तो आप लोग एक्टिव हो जाइए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है अभी ठीक है आपको सलेक्शन लेना है और जैसे जो एग्ज़ाम हो चुका तो उसका तो अब कुछ कह ही नहीं सकते क्या कर सकते बताइए अब उसका मूड में होगा कि नहीं हमको ज्वाइनिंग कराने तो क्या ही कर सकते हैं लेकिन आगे आने वाले एग्जाम के लिए तो कर सकते हैं ना तो आर टी वाई और थोड़ा सा हो हंगाम किया जाए तभी आगे दबाव बनेगा सरकार के ऊपर वरना ये सब दिक्कत है ये सब ठीक है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला आगे चल के ये बेकार का कैसा कैसा नियम बना दिया कुछ मतलब ही नहीं चलता है ठीक है चलिए खैर जो भी दोस्तों तो जैसा रिप्लाई आएगा उसे हम बता देंगे किस तरह क्या कह रहे देखिए इतना तो तय है दोस्तों कटअप गया ही हाई है ये बात तो तय है ठीक है क्योंकि नहीं जाता जा जा कटअप आया धान ले नहीं हुआ होता है ना तो कटअप देने में डर था क्यों एजेंसी बताइए आखिर क्यों जैसे ने कट ऑफ क्यों नहीं दे रहा है बताओ ना जे में इतना प्रोटेस्ट किया कट ऑफ का पता ही अता पता भी नहीं है ठीक है क्यों भाई भाई जब सच्चाई जब सब चीज़ अब फेयर तरीक़ा से तो ऑफ देने में क्या है भाई हैं तो ये आप खुद ही मतलब इन लोग सस्पेंस में डाल देता है सच बता रहे हैं बाकी इन लोग से कुछ नहीं होने वाले इन लोग को फालतू जे एस एसिय जे पी जो चल रहे हैं सब संस्था बेकार को बंद कर देना चाहिए नौकरी खत्म कर देना चाहिए झारखंड नौकरी नहीं होगा बात खत्म ये फालतू का ये फॉर्म भरवा के दस साल लटका के रखना वही पैसा पैसा कमाना वही पैसा का हराम का पैसा अपना बैंक बैलेंस बनाना फिर एग्जाम ले लेना फिर उसी उसी फॉर्म के चक्कर में लोग को भरवाता है फिर धानली करा के किसी और को नौकरी दे देता है यार क्या मतलब है यार योटंकी बहुत चल रहा है ठीक है मत बनवाइए जैसे पूरा हटाइए दीजिए एकदम न रहेगा बास न बाँसुरी जो कहावत है ना क्यों फॉर्म भरवा देते भाई कभी हज़ार रुपये दाम रहता है तो कभी सौ रुपये कर देते हैं पाँच साल से सचिवालय का मान ली एग्जाम्पल के लिए दो हज़ार पंद्रह से फॉर्म भरवा रहे हैं पंद्रह उन्नीस इक्कीस तेईस कितना बार फॉर्म भरवाइएगा है? बताओ हैं उसका इंटरेस्ट कौन जोड़े उसका जो इंटरेस्ट जब हिसाब कीजिएगा दोस्तों कम से कम एक आदमी से कम से कम सात आठ रुपये बनता है आप जोड़ जोड़ के देख लीजिएगा ठीक है कैलकुलेटर काम नहीं करेगा इतना पैसा इन लोगों को बन जाता है फॉर्म से सोचिए इन लोग क्या गेम खेलता है सो फॉर्म भरा के आफी लोग को पैसा लेना है ठीक है आप ही लोग से पैसा लेगा और उधर भी जो लूटता है अपना अलग तो है ही है ठीक है तो कम से कम यार इतना कर रहा है कम से थोड़ा बहुत तो इंसानियत दिखाओ यार कोई भी एग्ज़ाम तो फेयर करा करा दीजिए कम से कम और जो एजेंसी इस तरह काम काम करे उसको कार्रवाई किया जाए उसका नाम ही ख़त्म कीजिए झारखंड से ऐसे एजेंसी को लेकिन मिलता वही लोग को है मतलब एग्जाम लेने का उसको जिमा दे देता है सब पैसा का खेल है यार कुछ नहीं है कितना आपका क्रेडिट खराब है ना पैसा दे दीजिएगा तो आपको सब क्रेडिट सब ठीक हो जाता है ठीक है तो खैर कोई नहीं दोस्तों जैसा आगे हम बताएँगे और बहुत गलत थोड़ा झारखंड ऐसा नहीं होना चाहिए अब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई ठीक है बाकी बहुत सारे डर पकड़े झारखंड में बैठे हुए हैं पता न स्टूडेंट ही हो कि चमचा है किसी पता नहीं चलता ये सब चीज़ ठीक है हम लोग यहाँ को पार्टी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर दे ठीक है हम लोग सब एक हैं बस झारखंड का हम लोग विकसित चाहते हैं जैसे भी करना हो कीजिए लेकिन इस तरह के इस तरह सिचुएशन रहेगा तो झारखंड कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा अभी तो तेईस साल हुआ ना पचास साल भी रह हो जाएगा फिर भी ऐसे ही रहेगा तो थोड़ा सा कदम उठाया उठाइए थोड़ा बोल्डली होकर बात कीजिए ठीक है ऐसे डरिएगा तो कुछ नहीं होगा फिर ऐसे चलते रहेगा फिर चलने दीजिए फिर क्या किसको क्या दिक्कत है हमको थोड़ी दिक्कत है भाई हम ठीक जगह पे हैं दिक्कत तो आपको है फिर ठीक है तो बात उठा जो कीजिए और डरिए पर मत कुछ नहीं होता भाई आवाज़ उठाना डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं आप आजादी से कुछ भी बोल सकते हैं हमारे आर्टिकल संविधान में लिखा हुआ है समझ रहे ना बस दायरे में होकर बोलना ये नहीं कि कुछ भी मतलब समझ रहे कहने नहीं मतलब चलिए खैर जो भी है तो आर आप लोग भी अप्लाई कर दीजिए जो रिपोर्ट आएगा हम बता देंगे आपको बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत